अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। सर्दियों की अंधेरी और ठंडी रात, बॉनफायर, पूरे चांद की रात, नहीं फोन मिला जी आपका। एक एक कप चाय और हल्की फुल्की बातें, आइए हमारे साथ रहिए। और राती चाय कुछ पीनी हमजा, ये बेटा मैंने सुबह इस पे पराठे पकाने हैं। ये जो आप लकड़ियां उठा रहे हैं, बस अभी रख के सोएंगे आप। हम आपको एक्सक्यूज नहीं लेने देंगे कि जी मेरे पास लकड़ियां नहीं थी। नहीं नहीं, हम एक्सक्यूज खाना है पराठा, हम एक्सक्यूज कर ही नहीं रहे। हम आपको दो पराठे फी बंदा खिलाएंगे, हम आपको एक्सक्यूज नहीं करेंगे। मतलब लाइक ऑमलेट्स, लाइक साग भी है ना, लाइक बस ठीक है। आप बस इतना बता दिया आपने, सही हो गया। अंडे नहीं है तो ऑमलेट्स, हमारी जो टीम है वो पकाती है पराठे, जो किचन वाली टीम है वो बनाती है चाहे ऑमलेट्स जो भी, तो वो बस इस तरह आ जाएंगे भाई। वसीम 8 बजे तक, 7 बजे तक हो जाए। तो उस्मान भाई क्यों नहीं आ रहे? मैंने इत्याम भाई को भी बोला था कि आ जाए, तो किधर गया वो? वो अंदर ऐसे लगता है दफ्तर का काम कर रहे हैं, लैपटॉप पे बैठा। चेक किया जी, हसान को हमने दिखाया है, हसान वेयर आर यू, हसान को लाइव दिखाया है अभी। कमिंग वो थे आ को थे आ हसान, हसान है खांसी, तबीयत बेहतर है, नहीं बेहतर है लेकिन उस तरफ की हवा है तो ऐसा हाथ दूर रखें। हां जी, तुसा कौन के साथ बात कर रहे हैं? हुमा और वो बैठी थी खाला, वो किधर गई हैं? सनी बेटा कपड़ों का ना लग जाए ना, आपको पता है कि हमजा जो है ना वो थोड़े पे काम नहीं करता। नहीं तो बस अब ये आग ही सेकनी है, इस पे बारबेक्यू नहीं हो सकता अभी, तो इस वक्त हो ही नहीं सकता ना, सिर्फ बॉन ही सेक। आप क्या इतना मैं लेके कर दूंगा, ये हो सकता है एक एक कप चाय का हो जाए। हां नहीं जी, चाय तो मैं तो नहीं पीती हूं इस वक्त, चाय साथ एक एक बिस्किट ठीक रस भी है। खिकरास है तो फिर ठीक है, ये नहीं चाय मैं नहीं पीती, मैं नहीं पीती। मैं बेकरी भी चला जाऊँ तो फिर, हाँ बेकरी भी चला जाए तो फिर क्या, सारी बेकरी चाहिए, बिस्किट चाहिए आंदे तो नाल मुझे नजर आ गए खिकरास। हमजा ने कहा साहब भी टेस्ट कर ले, मैंने कह रहा बात सही है आज ये, नहीं नहीं मैंने नहीं कभी खाए थे। सामान का फर्क है प्राइसेस में, कसम से नहीं, 1.5 किलो बिस्किट लाए हूं और किलो सही बेकरी, अच्छा सही बेकरी, 1.5 किलो बिस्किट जी। वालेकुम सलाम मामू, बिस्मिल्लाह। ये लो अभी, अभी अभी क्या गया? नहीं तो ये हटेगी गाड़ी तो फिर दूसरी आएगी ना, बंद कर देना फोन। हालत नहीं ट्रैक्टर है चू, अच्छा नहीं बड़ी होनी, ये ट्रैक्टर पे नहीं कर खिलाना था ना, का खिलाना हूं दा पता कैसे, 2000 की भी नहीं होगी पर नहीं पता वगैरह दा होगी जी, वो क्या पता किसके पास है। नहीं एक चम्मच बस, चलो जाओ ले ध्यान से। वैसे ये ज्यादती की बात है यार मेरी, मुसब्बा जी
नुसबा जी मैंने इनको कहा मैं चाय नहीं पीऊंगी तो ये सारे अब के ग्रास भी खा रहे हैं चाय के साथ। गलत बात है ना। नसीम ये ज्यादती है एक एक रास तुम्हारी चाय में मैं भी डुबो के खाऊंगी। ये पकड़े बॉन फायर है चाय तो पी सकते हैं डिप कर करके तो एक रास भी खा सकते हैं बस थैंक यू। और खाए मैंने जूम लोग हैं एक छुट्टी और मेरी तो छुट्टी हो मैंने कहा भी ज्यादा क्या कहेगा मैंने भी ठंडे छुट्टी मांगने ज्यादा क्या कहेगा इबी वापस कब जाना है कल भी वापस जाऊंगा ना कितने बजे एंट्री वो तो मैं कर लूंगा एंट्री का 4-5 बजे होगी सुबह बेटा किसके साथ जाएंगे वो देखेंगे कल सुबह कर मैंने जाना कल जाना चलो उस्मान भाई के साथ चल रहे क्या कहा आपने सिम जी प्याली सीधी करो ना क्या कहते हैं मेरे साथ क्या कहा आपने 12 तक ठीक है रहा है सारे आपको नहीं आपको पता फौजी पूरी बात नहीं करते स्वागत हो जाना होगा नहीं कोई क्या जाती हुई तुझे नहीं पता बात में वो साथ वालों का भी एक बंदा बीच में बैठा होता उसके सामने आप कहते लगाई जा रहे थी किसकी बनाती नहीं नहीं ये जो रिकॉर्डिंग चल रही है ये जाएगी क्या हाल है यूसुफ का हमजा जी और लकड़ी नहीं लगाएंगे लगाते हैं अभी थोड़ा सा अभी नीचे अच्छा। वाला देखे ना कितना है वो पूरी रात ही खत्म होगा वैसे पता अगर इसको अंगीठी में डाल लेना तो जी देखे वो ठीक है अच्छा। मैं यही हमें ये अंगीठी आप अंदर लेके जाएं कमरे में वो देखें आपका सार नहीं हाँ नहीं ये तो है सफोकेशन तो है लेकिन जब हम छोटे होते हुए अंगीठियों में अंदर रखते होते थे इतने सूफे में बैठते थे मुझे याद है जी इतना कोई धुआं नहीं कोई स्मेल नहीं नहीं बड़े कोई वेल नोन बड़े उनके बेटा बेटी की शादी हुई सर्दियां थी उन्होंने ये अंगीठी अंदर रखी थी ब्राइड के रूम में सुबह दोनों की डेथ हुई थी ये जो कार जो होता है एग्जैक्टली होता है वो तो होगी ना ये और अब एक सेकंड लेकिन कमरे के दरवाजे बंद हो तो उसको रखना डेंजरस है ओपन एयर में बंद करके ना रखें धुआं निकल खाला वाली बात सच है जी खाला वाली बात सच है उस्मान बाइक किधर जा रहे हैं वो अगला क्लेम करता है कहता है अम्मी मुझे गाँव लेके आ जाती थी उस्मान भी कह रहे हैं और मुझे सारा सारा साल रखा है हमारे ऐसे वैसे मैं कहा कब हुआ कब हुआ वैसे कब हुआ उस्मान भी कह रहे हैं कि नहीं किसके पास है बेटा वो जिसे भी उसे ले गए ये ना वो आपके बेड पे पड़ा हो ना ना मैंने जाहिर रखी है क्या हुआ रेहान ये स्पार्क लगा है इसको उंगली बच गई हाँ तो ठीक है उसने खाया ना उसने मंचिंग की उसके ऊपर अच्छा जी नहीं नहीं इधर अच्छा तो सही ट्राई कराई है पहले तो ये सही बात नहीं ये वो तो मुझे वो तो नहीं मार नेट टके नहीं मतलब कुछ अक्ल समझ आया कोई नहीं मैंने आज देखा है मैं देख लेना पुत्र आपने पेट किधर है चलो साढ़े भी पेट निकल नहीं पर 10 अल्लाह माफी दे अल्लाह माफी दे 10 मिनट तो मैं ये देखता रहूंगा ये देख किधर है और वीडियो भी खुद बना रहा है ना वो साइमल्टेनियसली सब देख रहा है देखें आप अजहर ने याद आ गए अपने दोस्त भी हैं नहीं इनका बेटा था आपने वो जो वीडियो बना रहा था बेटा था ना तो खाला किधर थी सर भी आपके अपने दोस्त भी हैं खाला इधर अच्छे ना आप सर खाला इस बार झगड़ा लानी है क्या बंदे ही देसा इज्जत आनी ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਇੱਕ ਇੱਕ ਹੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੀ ਆਂਦੀ ਜੀ ਜਵੇਦ ਆਉਗਾ ਨਾ ਇਸਰਾਰ ਆ ਕੇ ਆਣਾ ਜਵੇਦ ਆਣਾ ਕੋਣ ਆਣਾ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਆ ਕੇ ਪਾਸੇ ਇੱਕੇ ਪਾਸੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਇਹ ਇਹ ਹਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਦੇ
ਸੀਆਂ ਬਾਹਰ ਭੇਜਦਾ ਅੱਗ ਲਾਈ ਬੈਠਾ ਨਾ ਭਜਨ ਪੁਰਾਣੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਚ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਨਾ ਕਿਹੜੇ ਜਾਪ ਕਰਨੇ ਸੀ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਗ੍ਰਾਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨੇ ਸੀ ਨਹੀਂ ਗੀਠੀ ਲਾ ਕੇ ਅੰਦਰ ਬੈਣੇ ਸੀ ਅੰਦਰ ਬੈਣੇ ਸੀ ਨਾ ਗੀਠੀ ਨਹੀਂ ਜੀ ਬਾਹਰ ਵੀ ਕੋਈ ਹਾਂ ਹਾਂ ਸਰਦੀ ਤੇ ਗੀਠੀ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠਾ ਬੈਠਾ ਗਰਮੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਅੰਦਰ ਗਰਮੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੈਨੀਅਨ ਇਹ ਦੇਖੇ ਇਹ ਤਾਂ ਹਮਨੇ ਪ੍ਰਾਤ ਮੇ ਰੱਖਾ ਹੋਇਆ ਨਾ ਫੌਜੀ ਤਾਂ ਉਹ ਲੱਕੜੀਆਂ ਐਸੇ ਐਸੇ ਖੜੀ ਕਰਤੇ ਕਰੈਕਟ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਫਿਟ ਫਾਇਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਲੱਗ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਵੈਸੇ ਇਸ ਕੇ ਫਿਰ ਬੈਠੇ ਨਹੀਂ ਠੰਡ ਲੱਗ ਰਹੀ ਵੈਸੇ ਬਾਹਰ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਉਹ ਤਾਂ ਹੈ ਨਾ ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਐਕਚੁਅਲੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਏ ਦਸੰਬਰ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਦਸੰਬਰ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਸੇ ਨਹੀਂ ਅਬ ਇਹ ਮਹੀਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ 15 ਫਰਵਰੀ ਕੇ ਬਾਅਦ ਜੋ ਧੁੱਪੇ ਹੈ ਨਾ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਉਹ ਧੁੱਪ ਕੜਾਕੇ ਕੀ ਨਿਕਲ ਆਤੀ 15 ਫਰਵਰੀ ਕੇ ਬਾਅਦ ਜਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਸੋ ਜਾਓ ਨਾ 2 ਘੰਟੇ ਕੇ ਬਾਅਦ 12 1 ਵਜੇ ਆਲਿਆ ਚੜੀ ਨਾ ਪਿੱਛਾ ਜੇ ਠੀਕ ਹੋਇਆ ਸਾ ਤਾਂ 8:30 ਵਜੇ ਸੋਏ ਹਾਂ ਸਵੇਰ ਹੀ ਖੁਲੀ ਹੈ 8 ਵਜੇ ਉਹ ਕੋਈ 48 ਘੰਟੇ ਹੋ ਗਏ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ 48 ਘੰਟੇ ਹੋ ਗਏ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਕੋਈ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਆਧੀ ਰਾਤ ਕੋ ਆਂਖ ਖੁੱਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਥੋੜਾ ਇਸ਼ੂ ਹੈ ਵੈਸਾ ਕਰ ਤੂੰ ਆਜ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇ ਸਨ ਅੱਜ ਮੈਂ ਇਤਨਾ ਮੈਂ ਅਹਿਮਦ ਆ ਗਿਆ ਅਹਿਮਦ ਨੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਬਾਹਰ ਖਰਾਬ ਕਰੂ ਉਹ ਅੰਦਰ ਕਰਾਇਆ ਮੇਰੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਠੀਕ ਹੈ ਮਾਂ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਪੜੀ ਨਾ ਮਾਂ ਪਰ ਚਲੀ ਗਈ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪਾਰ ਤੱਕ ਹੋ ਕੇ ਆਉਂ ਮੈਂ ਪਰ ਦੀ ਸਾਰਾ ਕਰ ਆਉਂ ਮੈਂ ਤਰੀਕਾ ਬਣਾ ਤਾ ਲਾਜ਼ਮ ਬੈਲ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਵਾਲ ਖੋਲ ਲੇ ਤੇ ਕਿ ਵੀ ਖੜੇ ਰਹੋ ਅੱਛਾ ਸਨੀ ਦੀ ਬਾਤ ਸੁਣੋ ਪੈਰ ਹੀ ਪੁੱਠੇ ਕਰੀ ਗਿਰੇ ਮਾਰ ਸਨੀ ਸਨੀ ਕੀ ਸੁਣੋ ਮੈਂ ਸੁੱਤੀ ਕਰਾਉਣਾ ਮੈਂ ਪਰੂ ਤਕਣੀ ਰਹੀ I hope you enjoyed my video. See you next time. Thanks for watching.